हर छह महीने या हर साल के अंदर में चेक करके अगर जरूरत पड़ती है उसमें फिटिंग हो रखी है तो वो बदल देने चाहिए। आर्किंग कॉन्टैक्ट्स इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं या उनका काम सिर्फ ये है कि जब भी सर्किट मेक होता है तो सबसे पहले आर्किंग कॉन्टैक्ट्स ही पिक्चर में आते हैं, सर्किट में आते हैं। तो जितना भी इनरश करंट है, जितने भी इनिशियल आर्किंग है, वो सारे की आर्किंग कॉन्टैक्ट्स में ही ऑब्जर्व हो जाती है, वही उनको जो है क्लियर कर देता है। और जब आप सर्किट को ओपन करते हो, ब्रेकर को ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपका मेन कॉन्टैक्ट ओपन होता है, उसके बाद आर्किंग कॉन्टैक्ट आपका ओपन होता है। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि जो हमारे मेन कॉन्टैक्ट हैं, मेन कॉन्टैक्ट की लाइफ एनहांस होती है। आर्किंग कॉन्टैक्ट की कॉस्ट कम होती है, मेन कॉन्टैक्ट की कॉस्ट ज्यादा होती है, उसको बदलने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आर्किंग कॉन्टैक्ट आपको टाइम टाइम पे चेक करते रहना चाहिए, और आपको उसके अंदर अगर फिटिंग नजर आ रही है, कार्बनाइज ज्यादा हो रखा है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। इस वीडियो में आर्किंग कॉन्टैक्ट कैसे चेंज करते हैं वही दिखा रहे हैं आपको। आर्किंग कॉन्टैक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आर्क शूट खोलिए। हमने इसमें आर्क शूट के पहले से ही इसको अनस्क्रू किया हुआ है। ब्रेकर को आपको नीचे कहीं पर रखना है या टेबल पर रखना है, पैनल में रखे रखे मत कीजिएगा काम। ये आपका फिक्स्ड आर्किंग कॉन्टैक्ट है, ये वाला पार्ट जो कि 2 LM की बोल्ट पे लगा होगा, और ये आपका मूविंग है। ये देखें, ये जो 2 LM की बोल्ट्स देख रहे हैं, ये आर पोल, वाई पोल एंड पी पोल, इसमें ये वाला पोर्शन जो है, ये जो खड़ा हुआ पोर्शन है, ये आपका फिक्स्ड आर्किंग कॉन्टैक्ट है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आगे ये जो वाला पार्ट देख रहे हैं, और ये पार्ट आपका जो है मूविंग आर्किंग कॉन्टैक्ट है। अभी देखिए दोनों को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए आपके पास में एलन की होनी चाहिए, और ये आपका मूविंग। मूविंग जो है ये सिर्फ एक ही नट बोल्ट के ऊपर में लगा हुआ है, इसका ये आप बोल्ट खोलिएगा। बहुत आसान है आर्किंग कॉन्टैक्ट चेंज करना, बहुत आसान है। आप अपने ऑपरेटर को एक बार सिखाएंगे तो सीख जाएगा। हर 6 महीने में जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जिस ब्रेकर के बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, कोई मोटर ड्यूटी एप्लीकेशन पे है जहाँ पे दिन में 5-7 ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे हमें 3-4 महीने के अंदर में एक बार वो कॉन्टैक्ट चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही हमने इसको ओपन किया वैसे इसको हम वापस लगा देंगे। देखिए इसमें क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकर के अंदर में, आप लोगों ने जिन्होंने ब्रेकर को देखा है, ब्रेकर में नीचे की तरफ में 2 बड़े बड़े स्प्रिंग दिए हुए हैं, ठीक है सर। दीज स्प्रिंग्स आर वेरी वेरी डेंजरस जब ये पूरा एक्सपेंड होते हैं, जब ये एक्सपेंड होते हैं उस टाइम इसके अंदर में इतनी फोर्स होती है कि किसी का भी हाथ या किसी की उंगली आ जाए तो उस केस में उसका हाथ या उंगली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने इसके अंदर में एक सेफ्टी फीचर दिया ब्रेकर के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं स्लो क्लोज फैसिलिटी। स्लो क्लोज फैसिलिटी के 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि आप ब्रेकर को स्लो क्लोज मोड में डाल के उसके मैकेनिज्म को जाम कर सकते हो, और उसके बाद में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि स्लो क्लोज में डाल के ब्रेकर के जो 3 पोल होते हैं, उन तीनों पोल्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट का जो गैप है, वो गैप आप चेक कर सकते हो।
आप देखिए जो बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसका फ्रंट कवर खोल लीजिए, मेटेलिक फ्रंट कवर के बाद ये फ्रंट फेशिया खुल जाएगा, चार बोल्ट्स पे रहता है ये पाउट, की लॉक लगा हुआ है, पहले की लॉक हटा के की हटा के उसके बाद जो है वापिस की लगा दीजिए। नाउ ब्रेकर को आप जो है चार्ज कीजिए, अभी ब्रेकर आपका ओपन है, ऑफ कंडीशन में है तो कॉन्टैक्ट्स आपके खुले हुए हैं। स्प्रिंग चार्ज कीजिए, स्लो क्लोज में डालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, पहले स्प्रिंग चार्ज करना है, स्प्रिंग चार्ज हो गया, ब्रेकर अभी आपका ऑफ कंडीशन में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला लीवर, ये लीवर उठाइए एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसी टाइम ऑन कमांड दे दीजिए, तो आप ब्रेकर आपका जो है स्लो क्लोज में चला गया। इससे क्या होगा सर कि जैसे आप जो है स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल आगे की तरफ में मूव करेंगे, वैसे वैसे जो है आपके कॉन्टैक्ट्स तीनों पोल के आप देख सकते हो मूव करेंगे। अब तीनों पोल के बीच के कॉन्टैक्ट्स का गैप चेक कर सकते हो आप, और गैप को एडजस्ट करने के लिए ये नट बोल्ट्स दिए हुए हैं, चेक नट्स, इन चेक नट्स को विद द हेल्प ऑफ स्पैनर आप आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने मतलब ये चीज सीख ली समझ लीजिए आधा ब्रेकर सीख लिया। स्लो क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और गैप एडजस्टमेंट और पीछे आ जाइए।